महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमावाद पेटण्याचे संकेत। अमरावती जिल्ह्यातील धारणी तालुक्यातील भोकरबर्डी गावातील रहिवाशांनी मध्य प्रदेश मध्ये जाण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे। महाराष्ट्रात सोयी सुविधा मिळत नसल्याने सीमारेषेवरील नागरिक त्रस्त असल्याचे या रहिवाशांचे मत आहे। त्यांनी या प्रकरणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना निवेदन पाठवले असून धारणी तालुक्यातील 63 गावे मध्य प्रदेशात जाण्याची मागणी करत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे। कि हमारा जो धारणी तालुके का नुकसान हो रहा है वो सिर्फ हम आज महाराष्ट्र में हैं इसलिए हो रहा है, जबकि हम यदि मध्य प्रदेश में शामिल हो जाते हैं तो हमको सारी सुख सुविधा मिलती है। और ये जो हमारे 70 गांव महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगे हुए हैं, कुपोषण जो हमारे 30 साल से चल रहा है वो कुपोषण का एकमात्र कारण है। हम कि जिले से और महाराष्ट्र से हमारा कटा हुआ भाग है, 170 किलोमीटर दूर हमारा जिला है, खंडवा बुरहानपुर और बैतूल हमारे को 60-70 किलोमीटर पे। इसलिए मेरी पुरजोर मांग है कि हमको धारणी तालुके को मध्य प्रदेश में शामिल किया जाए, क्योंकि धारणी तालुका हमारा यदि मध्य प्रदेश में शामिल होता है तो सही में विकास देखने को मिलेगा जो हम मध्य प्रदेश के बॉर्डर के गांव में देख रहे हैं। यहां पर आरोग्य सुविधा नहीं है, यहां पर सड़क की सुविधा नहीं है, यहां पर बिजली की सुविधा है जो भी मध्य प्रदेश से ही है, तो फिर क्यों ना हम मध्य प्रदेश में शामिल हो। ऐसा हमारा और हमारे जो इतने भी सरपंच लोग हैं उनका भी मैं ठहराव ला के देने को तैयार हूँ। प्रज्योत पहाड़े, द बेस्ट थिंग टीम, अमरावती।